हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं रुचि मैम आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आज आपके लिए साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स। देखिए, होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स में जो भी होते हैं उनको साइंस में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, समझते हैं या बोलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि साइंस समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको साइंस बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में समझाऊंगी, एकदम नए तरीके से साइंस हम आपको पढ़ाएंगे, जो बिल्कुल आपकी लाइफ से इम्प्लीफाई करते हुए होगा और बिल्कुल ही सरल और व्यवहारिक भाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्टिन्यू करते हैं हार्मोन्स। सबसे पहले बात आती है हार्मोन्स, तो यही पर प्रश्न उठता है हार्मोन्स क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हार्मोन्स एक रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ होता है। हार्मोन्स कैसा पदार्थ है, यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन यही से बनने लगते हैं कि हार्मोन्स कैसा पदार्थ है। तो हार्मोन्स एक रासायनिक संदेशवाहक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि कैसा पदार्थ है, रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ होता है जो किसी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के कारण, बाह्य या आंतरिक उद्दीपन से मतलब है कि शरीर में होने वाली एक्टिविटीज। सपोज दैट आपको एक उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि जैसे अगर हम बाह्य एक्टिविटीज़ को लेते हैं तो हार्मोन्स किस तरह से काम करेगा। मैं सपोज यहाँ खड़ी हूँ और यहीं से कहीं से एक सांप निकला या ऐसा कोई भयानक जीव निकला जिसको देखकर हम क्या होंगे, डर जाएंगे और मेरे माइंड में तुरंत एक संदेश जाएगा कि तुरंत भागो, मीन्स वहाँ पर लड़ो उड़ो। हार्मोन्स आपने सुना होगा, वहाँ पर भी एक हार्मोन्स काम करता है। आंतरिक की बात करें अगर, तो आंतरिक में आप देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं कि अगर एक माँ बच्चे को फीड कराती है तो दुग्ध को स्रावित करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है ना। तो इस तरह के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हमारे आंतरिक भी होते हैं और बाह्य उद्दीपन के कारण होते हैं। आंतरिक से कुछ उद्दीपन आया या फिर बाह्य वातावरण को देखकर या बाहर के कुछ ऐसी दशाओं को देखकर जो हमारे मन में, जो हमारी बॉडी में उद्दीपन होता है वो क्या होता है, किसका काम होता है, हार्मोन्स का होता है। टोटली काम किसका होता है, हार्मोन्स का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जो किसी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के कारण कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर रुधिर में संचरित होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन्स कहाँ संचरित होते हैं, तो हार्मोन्स रुधिर में संचरित होते हैं। किस में संचरित होते हैं, हार्मोन्स रुधिर में संचरित होते हैं और ये संचरित होकर शरीर के संपूर्ण कार्यकी को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, मींस प्रभावित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, किसके, किसका, हार्मोन्स शब्द का प्रयोग। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हार्मोन्स से रिलेटेड आगे आपको हम दिखाते हैं, बाद में हम आपको उस फिगर के बारे में बताएंगे। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का श्रावण, हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, कहाँ स्रावित होते हैं और किससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो शरीर में हमारे, अगर हम ग्रंथियों की बात करें तो शरीर में जो ग्रंथि होती है वो तीन प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हमारी ग्रंथियां आती हैं वो थायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथ, अधिवृक्कीय एड्रिनल ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ और पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड,
ये क्या है? आंतरिक ग्रंथियां हैं, ये शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मींस जो अंदर ही बनती हैं और अंदर ही संचरित होती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियों से मतलब जिनका श्रावण बाहर होता है, मीन्स बहिर्स्रावी ग्रंथियां, ये इसमें इसके अंतर्गत आएगा लार ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां और यकृत ग्रंथियां। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, पूछा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। अगर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मिश्रित ग्लैंड कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो क्या है? अग्नाशयिक ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें जो हमारी अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसमें आंतरिक और बाह दोनों ही श्रावण होते हैं, दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसलिए जो मिश्रित ग्रंथि है वो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथि है, वो कौन सी है? अग्नाशयी ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हार्मोन्स जो है वो अंतःस्रावी। अब हम बात करते हैं अगर हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी कोशिकाओं से रुधिर में संचरित होते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी कोशिकाओं से रुधिर में स्रावित होते हैं, जबकि जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो अंतःस्रावी कोशिकाओं में तो बहिःस्रावी कोशिकाओं में तो बनती हैं, लेकिन रुधिर में संचरित नहीं होती हैं। ठीक है ना? क्या रुधिर में संचरित नहीं होती हैं? ठीक। और देखिए एंजाइम जो है, एंजाइम रुधिर में मुक्त नहीं होते। एंजाइम समझ रहे हैं ना, जो पाचक एंजाइम है, मींस जो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो क्या है? रुधिर में मुक्त नहीं होते। इनका उपयोग क्या होता है? संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं या संबंधित ऊतकों या अंगों में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पाचक एंजाइम होते हैं उनका उपयोग क्या, इनका उपयोग क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है? संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं या संबंधित, उसी से संबंधित, मीन्स संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं से जो संबंधित ऊतक होते हैं उनमें, उन्हीं अंगों में ही होता है। ठीक है ना? हार्मोन्स का देखिए, हार्मोन्स का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्मोन्स का विघटन हो जाता है, किंतु एंजाइम का विघटन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब कोई हार्मोन्स का बनना बंद हो जाता है और जिस हार्मोन आवश्यकता, जिस तरह से बॉडी को जिसकी आवश्यकता होती है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, उस तरह से हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बनते रहते हैं, बट जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो बनना बंद नहीं होते हैं। ठीक है ना? हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम एक एक करके ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा परिचय था किसका? हार्मोन्स का, कि हार्मोन्स क्या हैं और हार्मोन्स जो हैं वो ग्रंथियों में बनते हैं। ग्रंथियां कितनी प्रकार की हैं? तीन प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे स्पेशल और स्पेशल अंतःस्रावी ग्रंथियों की अनियमितता। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि की अनियमितता, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हमने बताया कि इसमें सब इस शब्द का प्रयोग, हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड है। ये इसमें, ये जो आपको येलो कलर के जो बिंदु दिख रहे हैं ये क्या है? ये पैराथायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड यहाँ होती, इसके अगर हम बात करें तो ये एच आकार की होती है। किस आकार की? एच आकार की। देखिए आपको इस
फिगर से पता चल रहा होगा, एच ऐसे ही तो बनता है, इस तरह से दिख रहा है ना। तो ये एच आकार की द्विपालित ग्रंथि होती है। कैसी? द्विपालित का मतलब होता है दो पालियों में बटा हुआ। क्या? दो पालियों में बटा हुआ, मीन्स ये एक ये पाली है और एक ये पाली है, एक दाएं और एक बाएं, ठीक है ना। तो यही है हमारी थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि जो है उसका वजन जो होता है 20 से 30 ग्राम लगभग, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका वेट जो होता है वो 20 से 30 ग्राम के बीच में हो सकता है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी अनियमितता। थायराइड की अगर हम बात करें, थायराइड की अनियमितता से क्वेश्चन पूछा जाता है, थायराइड की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? तो थायराइड की अनियमितता से प्रकार्यात्मक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? प्रकार्यात्मक रोग, मीन्स फंक्शनल डिसीज। कौन सी डिसीज? फंक्शनल डिसीज हो जाती है। इसका मतलब है, प्रकार्यात्मक रोग का मतलब है कि हार्मोन्स का अधिक सक्रिय होना या फिर कम सक्रिय होना। अनियमितता का मतलब ही होता है कि उसको अनियमित ढंग से चलना, अनियमित ढंग से। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलें कि उसका वर्क जो है वो अनियमित रहता है, मीन्स उसका कुछ भी नियम नहीं रहता है। अब हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये अनियमितता से मतलब है कि या तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा और या तो ये बहुत कम सक्रिय हो जाएगा। इट मीन्स अगर हार्मोन्स की बात करें तो उसे कैसा रहना चाहिए? बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर बैलेंस्ड रहेगी तो क्या होगा, इसका वर्क बहुत ईजली और जिस तरह से होना चाहिए, बॉडी को जिस तरह से ज़रूरत होगी उस तरह से होगा। लेकिन अगर ये अनियमित हो गई, अगर ज़्यादा सक्रिय हो गई तो भी प्रॉब्लम, कम सक्रिय है तो भी प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, तो यही आपको बताना चाह रहे थे कि अनियमितता क्या है। अब हम आगे देखते हैं अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि क्या होती हैं? अब इसको यहाँ से आपको समझना है अच्छे से, ठीक है ना। जो क्वेश्चन वहाँ से जितने बनने थे मैंने आपको बताया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखते हैं अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड? अंतःस्रावी, स्रावी ग्लैंड। और उस अंतःस्रावी में कौन सी ग्लैंड आती है? थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं जो थायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आयोडीन युक्त और आयोडीन रहित। दो प्रकार के, तीन प्रकृति के हार्मोन्स, समझ रहे हैं आप। दो प्रकार के मीन्स टू टाइप, दो प्रकार मीन्स टू टाइप, आयोडीन युक्त और आयोडीन रहित, ठीक है ना। कौन सी? आयोडीन युक्त और आयोडीन रहित। तो जो आयोडीन रहित में आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स। तो ये जो आयोडीन रहित हार्मोन्स होगा ये क्या होगा? थायरोकैल्सिटोनिन। और आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स होगा वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, मीन्स T4। टेट्रा का मतलब होता है 4 और ट्राई का मतलब होता है 3। आप समझ लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के न्यूट्रिशन में भी भाषा बहुत यूज़ होती है। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, ठीक है ना, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6। ओके, इसी तरह से सारी हमारी जो रसायन की भाषा में चलती हैं वो चल। तो देखिए, आयोडीन युक्त जो हमारे हार्मोन्स हैं वो आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स वो क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन मीन्स T3 और ट्राई आयोडोथायरोनिन मीन्स T3, ठीक है ना। दो प्रकृति के तीन हार्मोन्स कौन से? टेट्रा आयोडोथायरोनिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 और थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन्स हो गए
और दो प्रकार के, आयोडीन युक्त आयोडीन रहित। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम आगे देखते हैं होता क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोडीन युक्त हार्मोन्स की। इसको यहीं पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बिकॉज हम लोग वन बाय वन बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं ये क्या होते हैं। आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, यहाँ से समझिएगा, हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 मिलीलीटर क्या होती है, आयोडीन उपस्थित होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। ठीक है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना आयोडीन होता है, 5 से 6 ml अप्रॉक्स। ठीक है, और इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, मीन्स थायराइड ग्रंथि जो होती है, वो आयोडीन के भंडारण का काम करती है। मीन्स आयोडीन को क्या करती है, संरक्षित करती है अपने ग्लैंड में, मीन्स उसको प्रेजेंट रखती है। ठीक है ना, अब होता क्या है, आपने देखिए, अब इसमें क्या होता है, 150 माइक्रोग्राम आयोडीन, क्या 150 माइक्रोग्राम आयोडीन का उपयोग प्रतिदिन होता है। ठीक है ना, प्रतिदिन होता है, जिसमें कि जो 90 माइक्रोग्राम आयोडीन है वो क्या होती है, T4 होती है, और 10% जो होती है वो क्या होती है, T3 होती है। ठीक, अब इसमें आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बताएंगे कि इस 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जो है हमारी, इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन क्या करती हैं, लेती हैं, और उसके पश्चात, लेने के पश्चात उपयोग करती हैं, और शेष 40 ग्राम, ठीक है, 40 माइक्रोग्राम क्या करते हैं, उसको फिर से छोड़ देते हैं। आपने सुना होगा या आप अक्सर देखते हैं कि आपको इस तरह से समझिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगी आपको ये, कि एक बच्चा क्या होता है, वो हर चीज़ क्या करता है, सोचता है मुझे पूरी में बहुत ज़्यादा मिल जाए, सारी ले ले भले ही उसको वो यूज़ ना करे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि वो पहले क्या करता है, पहले तो ले लेता है 120, लेकिन बाद में क्या करता है, पूरा उपयोग नहीं करता है, और 40 ग्राम्स क्या करता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे इसमें क्या होता है। अब ये तो यहाँ पर थी बात टोटल आयोडीन की, अब इसमें क्या होता है, अब आयोडीन में हमें मिलते हैं T3 और T4, तो 90% यहाँ प्रतिशत है फ्रेंड्स, 90% माइक्रोग्राम क्या करता है, T4 होता है, और 10% क्या होता है, 10% क्या करता है कि T3 हार्मोन्स होता है, लेकिन फिर भी इट इज़ मोर पावरफुल, T3 इज़ मोर पावरफुल दैन T4, मीन्स T3 ज़्यादा पावरफुल होता है किसकी अपेक्षा, T4 की अपेक्षा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि जब T3 T4 की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि रुधिर से जब ऊतक द्रव्य में जाते हैं, जब T3 T4 दोनों ही जाते हैं कहाँ से, रुधिर से ऊतक द्रव्य में जाते हैं, तो अधिकांश T4 क्या होते हैं, T3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए पावरफुल कौन हुआ, पावरफुल T3 हुआ। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन्स के कार्य, क्या है आयोडीन युक्त हार्मोन्स, किस तरह से काम करता है, और इस ये बॉडी में जा कर के अगर इसकी कमी हो जाती है तो किस तरह काम करता है, और अगर बॉडी में अधिकता हो जाती है तो किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं हम आयोडीन युक्त हार्मोन्स के कार्य। होता क्या है, ये हार्मोन्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये हार्मोन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दृष्टिपटल, प्लीहा, जननांगों व फेफड़ों को छोड़कर, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दृष्टिपटल, प्लीहा, जननांगों व फेफड़ों को छोड़कर से सारी कोशिकाओं में ऑक्सीकरण उपापचय के प्रेरक होते हैं। इन सबको छोड़कर बाकी शरीर की जितनी कोशिकाएं होती हैं वो सब क्या करती हैं, ऑक्सीकरण उपापचय के
प्रेरक में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है ना। इनका प्रभाव क्या होता है, इसके प्रभाव से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, अगर शरीर में देखिए, अगर शरीर में आयोडीन अधिक है, अधिक का मतलब बैलेंस्ड है, ठीक है ना, अधिक नहीं बोलेंगे आप, बैलेंस बोलिए। अगर शरीर में आयोडीन बैलेंस्ड मात्रा में है तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसके प्रभाव से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, बढ़ेंगी। मीन्स अधिकता हो जाने पर क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ी है। अब आपको सोचना ये है यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया की का वर्क क्या है, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादन। क्या काम है, मुख्य काम क्या है, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादन। और जब अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादन होगा तो उसकी क्या होगी, शरीर में खपत भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, शरीर में वितरण भी ज़्यादा होगा, सब अंगों को, हमारे सारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी, और क्या होगा, ग्लूकोज व ओटू की खपत भी होगी। मीन्स जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तब स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर ऊर्जा बन रही है, और ऊर्जा किससे बनेगी, हमारे ग्लूकोज से और ओटू से, ठीक है ना। तो आपको यहीं से समझना है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ी, इट मीन्स शरीर में ग्लूकोज का जारण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, O2 की खपत अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। और शरीर का BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, और शरीर के ताप व ATP अधिक मात्रा में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें अधिक बनेंगी, अधिक आवश्यकता होगी, जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या शरीर में ज़्यादा हुई तब क्या हुआ, ग्लूकोज और O2 की खपत भी ज़्यादा हुई। इसी तरह से क्या होगे, इन सब की माप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये शरीर की जीवन गति मीन्स टेम्पो ऑफ लाइफ क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मीन्स ये टेम्पो ऑफ लाइफ बढ़ा देते हैं जिससे उपापचयी प्रभाव, समझ रहे हैं ना, जिससे उपापचयी प्रभाव होगा उसका कारण होगा, उपापचयी प्रभाव के कारण क्या होगी कि हृदय स्पंदन दर, पाचन उत्पादों का अवशोषण, कोशिकाओं में एंजाइम व प्रोटीन का संश्लेषण, जो हमारी सेल्स होंगी उसमें क्या होगा, एंजाइम और प्रोटीन सबका संश्लेषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब सब कुछ ज़्यादा आवश्यकता होगी तब क्या होगा, उपापचय दर प्रभावित होगी, और उपापचय दर प्रभावित होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यही प्रभाव पड़ेगा कि हमारे हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी, पाचन उत्पादों का अवशोषण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोशिकाओं में एंजाइम व प्रोटीन का संश्लेषण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यकृत में प्रोटीन से ग्लूकोज का संश्लेषण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण भी बढ़ जाएगा। अब आपको हम एक एग्जांपल देके बताते हैं बहुत ही सरल भाषा में। देखिए आप ऐसे समझिए, सपोज दैट कोई एक गाँव है, ठीक है, अब गांव में क्या है, पहले वहाँ एक फैक्ट्री हुआ करती थी, आप ये समझ लीजिए ब्रेड बनता था, ओके। अब होता क्या है, पहले एक ही फैक्ट्री थी ब्रेड बनाने की, तो लोगों को एक लिमिटेड मात्रा में चीज़ मिल पाती थी, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। अब क्या हुआ, अगर फैक्ट्री की संख्या बढ़ गई मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ गई, फैक्ट्री की संख्या बढ़ गई मीन्स उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो भाई अगर कोई सामग्री बन रही है तो बनने के लिए हमें मटेरियल की और ज़्यादा आवश्यकता होगी ना। सेम वही इम्प्लीफाई करना है आपको, बिल्कुल इसी तरह से सोचना है कि अगर फैक्ट्री लगी तो उसमें क्या होगी, और माल की आवश्यकता होगी, और जो हमारे गुड्स हैं, सामान है, उनकी आवश्यकता होगी, और जब आवश्यकता होगी तो क्या होगी, सप्लाई भी मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो जो चीज़ व्यक्ति चाह रहा है उसको मिलेगी तो क्या हैप्पी होगा, ओके। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम प्रोसेस वही है, आपको इसी तरह से समझना है, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। बिकॉज़ क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयोडीन की अधिकता हो जाने पर BMR दर बढ़ेगी या घटेगी, या
दोनों साथ होंगे या फिर कुछ नहीं होगा। तो आपको ये इसी तरह से समझ लेना है कि BMR दर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको इस तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं थायराइड की अनियमितता। अब हम आपको बताएं थायराइड की अनियमितता, मैं आपको पहले भी बता चुकी, या तो अधिकता होगी या फिर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखेंगे इसकी यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, ये अल्पश्रावण थायराइड की अनियमितता क्या होगी, मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो ये अल्पश्रावण और ये अतिश्रावण। अल्पश्रावण का मतलब है थायराइड क्या होगी, कम मात्रा में स्रावित होगी, और अतिश्रावण का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगी। तो अगर थायराइड जो है, आयोडीन जो है, थायराइड अगर कम से कम स्रावित हो रहा तो भी प्रॉब्लम, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो भी प्रॉब्लम। ओके, अब देखते हैं, अगर पहले हम बात करेंगे अल्पश्रावण की, किसकी बात करेंगे, अल्पश्रावण की। अगर भोजन में आयोडीन की कमी, ठीक है ना, भोजन में आयोडीन की कमी, अब अगर अल्पश्रावित होगा तो क्यों होगा, उसका क्या रीज़न हो सकता है, वो रीज़न देखते हैं कि भोजन में आयोडीन की कमी होगी, ठीक है ना। और क्या होगा कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि मूत्र में आयोडीन का स्रावण भी अधिक हो सकता है, जिससे कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और जो अतिश्रावण में है, अगर अतिश्रावण में होगा तो उसकी कमी से नेत्रोत्सेंधी, गलगन और ग्लेवी प्लूमर और भीमकायता, इस तरह के रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अल्पश्रावण से होने वाले रोग। सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ मानवता की, किसकी बात करेंगे, जड़ मानवता। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या हो रहा है, अल्पश्रावण, अल्पश्रावण हो रहा है। अल्पश्रावण का मतलब आयोडीन क्या है, कम मात्रा में है, कम स्रावित हो रहा है। तो जब कम स्रावित हो रहा है, अब आपको यहीं से समझ लेना है कि मींस यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, और जो हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो वो भी क्या, जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ही नहीं होगी तो ऊर्जा उत्पादन दर क्या होगा, नहीं होगा। जब ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा तो शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, और जब शरीर की कोशिकाओं और ऊतक को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर का क्या है, डेवलपमेंट रुक जाएगा, मीन्स नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जड़ मानवता में कुछ इसी तरह की कंडीशंस आती हैं। क्या होता है कि जब शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है और उसका स्रावण कम हो जाता है, तो क्या होता है, इसमें एक खास बीमारी हो जाती है, इसमें जिसको हम क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं, आप लोग इसको इस नाम से भी जान सकते हैं कि बौनापन। क्या होता है, बौनापन मतलब कि जो शरीर की हाइट होती है वो कम हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, तो यही क्या है, क्रिटिनिज्म। और जो क्रिटिन्स होते हैं, इसी में एक क्या होते हैं कि क्रिटिन्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जननांगों, ये जो बौने होते हैं क्रिटिनिज्म, पहले बात करेंगे क्रिटिनिज्म, अगर ये बौने होते हैं तो इनमें सोचने समझने, मीन्स इनका माइंड तो डेवलप होता है लेकिन जो बॉडी ग्रोथ होती है वो रुकी होती है। ओके, और जो क्रिटिन्स होते हैं इनका माइंड डेवलपमेंट भी नहीं होता है, और जो बॉडी डेवलपमेंट है वो भी नहीं होता, मीन्स बॉडी ग्रोथ भी नहीं होती है, और इनमें जननांगों का विकास ना हो जाने के कारण ये क्या होते हैं, प्रजनन योग्य नहीं होते हैं। वहीं पर क्रिटिनिज्म क्या होते हैं, प्रजनन योग्य होते हैं, इसीलिए ये जो क्रिटिन्स होते हैं ये खतरनाक बौने होते हैं, बिकॉज इनमें सोचने समझने चलने सोचने समझने की क्षमता भी नहीं होती है। ओके, अब हम बात करते हैं मिक्सीडिमा। मिक्सीडिमा क्या होता है, मिक्सीडिमा जो जड़ मानवता है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए अभी, जो जड़ मानवता है वो बच्चों में होता है, स्पेशली बच्चों में होता है, भ्रूण में भी हो जाता है या फिर बच्चों में देखने को मिलता है, और जो मिक्सीडिमा है वो स्पेशल वयस्कों में होता है। इसकी कमी होती है तो क्या होता है कि त्वचा के नीचे श्लेष्म का जमा होता है, त्वचा के नीचे जब श्लेष्म का जमा होगा तो त्वचा कैसी हो जाएगी, मोटी और
खुरदरी टाइप की हो जाएगी। मीन्स इसमें क्या है, जो पर्सन होता है वो उम्र से पहले क्या होने लगता है, बूढ़ा दिखने लगता है। मीन्स उसकी एज जो है वो ज़्यादा दिखने लगती, जैसे कि बालों का झड़ना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या होते हैं क्रिएट होने लगती हैं, और शरीर में ओडिमा जैसी स्थिति भी कभी कभार देखने को मिल जाती है। किस में? मिक्सीडिमा में। और किस में होता है ये, इस तरह की प्रॉब्लम्स किस में होती हैं, वयस्कों में होती हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, घेंघा या गलगंड की। घेंघा या गलगंड, हमने आपको जो ऊपर ग्लैंड दिखाई, थायराइड या पैराथायराइड, ठीक है ना, तो उसमें इसमें क्या होता है, घेंघा या गलगंड जो होता है इसमें थायराइड का फूलकर बड़ी हो जाना, मीन्स इसमें जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारे गले में ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, ये क्या होती है, फूल कर बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, फूल कर बड़ी हो जाती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सपोज़ आप मुझे ही देखिए, अभी क्या है, नॉर्मल। अब अगर घेंघा की स्थिति हो जाएगी तो ये जो हमारे नेक का एरिया है ये क्या हो जाएगा, फूल कर मोटा हो जाएगा और सारा ऐसे स्वेलिंग सी दिखेगी। ओके, तो यही होता है घेंघा या गलगंड। इसमें क्या होता है, आयोडीन या थायरॉक्सिन के सांवर में कमी होती है। आयोडीन या आयोडीन युक्त हार्मोन्स, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, इसका श्रावण कम हो जाता है। जब इसका श्रावण कम हो जाता है तो मस्तिष्क के हमारे पीयूष ग्रंथि में से स्रावित होने वाला TSH हार्मोन्स, कौन सा TSH हार्मोन्स क्या होता है, अधिक से अधिक आयोडीन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कौन, ये TSH जो होता है, जब आयोडीन की कमी हुई, जब आयोडीन की कमी हुई तब क्या हुआ, TSH स्रावित हुआ। TSH क्या हो, अधिक स्रावित होगा, ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगा। और ये क्यों स्रावित होगा, बिकॉज ये क्या बोलेगा कि आप अधिक से थायराइड से क्या बोलेगा, आप अधिक से अधिक आयोडीन को स्रावित कीजिए, बिकॉज हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को आयोडीन की आवश्यकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये बात समझ में आई ना आपको। अब देखिए वही बात यहाँ पर मैंने आपको बताई, प्रभाव क्या है, अधिक से अधिक हार्मोन श्रावण करने की प्रेरणा देता है, जिससे अब जब अधिक से अधिक हार्मोन स्रावित होगा तो हमारे शरीर की क्या, जो हमारी कोशिकाएं होंगी इनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जब ज़्यादा वर्क करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, तब क्या होगा, ये फूल जाती हैं, और फूल कर क्या हो जाती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं, मीन्स मोटी हो जाती हैं, और इनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। आपको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएँ तो इसमें क्या होता है, देखिए एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक सपोज़ एक घर में बच्चा है, बहुत ही व्यवहारिक लैंग्वेज है, एक बच्चा है, अगर वो ठीक से पढ़ता है, ठीक है ना, अगर वो ठीक से पढ़ रहा है तो क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। और सब घर में सबसे बड़े कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसके मम्मा और पापा। ओके, तो जो हम अगर TSH की बात करें तो हमारा मस्तिष्क सबसे ऊपर है, और मस्तिष्क से स्रावित होने वाला जो हमारी पीयूष, मस्तिष्क में क्या है, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन TSH। TSH क्या करता है, आयोडीन को अधिक से अधिक, मीन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स को अधिक से अधिक स्रावित करने की प्रेरणा देता है। तो अगर एक बच्चा है ठीक से पढ़ रहा है तो क्या है, अच्छा है, गुड है, सब अच्छे हैं। लेकिन अगर वो सपोज़ मटर गश्ती बीच में करने लगा तो संदेश कहाँ से आया, TSH ने भेजा, TSH ने भेजा, मीन्स उसकी मम्मा ने भेजा कि बेटा पढ़ो। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मीन्स आप अच्छे से आयोडीन ले रहे हैं तो कवर हो जाएगा, ठीक है ना, कवर हो जाएगा, मीन्स बच्चा क्या होगा, मम्मा ने उसको बोला आप पढ़िए तो बच्चा पढ़ने लगेगा, क्या करने लगेगा, पढ़ने लगेगा फिर से ठीक ठाक। लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा, बहुत ही ज़्यादा मटरगश्ती कर रहा, मीन्स उसका बिल्कुल भी ध्यान मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तब क्या होगी, उसकी मम्मा हाइपर होंगी ना, उसको और ज़्यादा प्रेशर डालेंगी कि नहीं आप पढ़ो, उसको थोड़ी ज़बरदस्ती बैठाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन और अगर इसी में बच्चा बगावत कर दे, मीन्स मुझे नहीं पढ़ना है, अगर उसने बोल दिया नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं अच्छा लगता, तब क्या होगा,
गुस्सा आएगा ना, तो वही उसी तरह की प्रॉब्लम, वही सेम टू सेम यही कंडीशन है यहाँ पर भी कि थायराइड अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर अच्छे से स्रावित हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं स्रावित हो रहा है तो प्रेशर कहाँ से पड़ता है, TSH हार्मोन्स, TSH जो होता है वहाँ से प्रेशर पड़ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्रावित करो। और अगर थायरॉक्सिन अब जब उसके पास है नहीं तो क्या करेगा, बगावत करेगा ना, ग्रंथियाँ क्या होंगी, कोशिकाएँ हम क्या करेंगी कि वो क्या करेंगी भाई, अब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो क्या वो फूल जाती हैं और क्या हो जाती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं, अपना विकराल रूप ले लेती हैं, जिससे क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और यही क्या होता है घेंगा या गलगन, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किया जाता है आपको वो भी बता दूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन हारमोन्स को या थायराइड हारमोन्स को थायराइड को कौन हारमोन्स प्रेरित करता है, ठीक है ना, इसके श्रावण के लिए कौन जिम्मेदार है या इसके श्रावण के लिए कौन श्रावण के लिए प्रेरित करता है, तो TSH हार्मोन्स। अब आप याद रखिएगा कि पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े होते हैं, मीन्स हेड भी हमारा सबसे क्या, ओवरऑल बॉडी का सबसे जो हमारा अच्छा जो माना गया है वो क्या, हेड है। अगर हमारी यही तंत्रिका तंत्र ही गड़बड़ होगा तो पूरी बॉडी क्या है, बेकार है। तो आपको इसी तरह से समझना है और सोचना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी साइंस जो है टफ नहीं लगेगी। आप इस तरह से व्यवहारिक लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे तो, खासकर उनके लिए जिनकी साइंस नहीं होती, मोस्टली स्टूडेंट होम साइंस में क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम होती है कि साइंस उनका वीक होता है और उनको दिक्कत होती है समझने में, कैसे समझे, कैसे बढ़ गया, क्या हुआ। तो आप कुछ इसी तरह के हम आपको बहुत इजी एग्जांपल देंगे, जिससे आप एग्जांपल सुनेंगे और फिर एक से दो बार अगर आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा, ओके। तो अब हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर एंडेमिक घेंगा है। एंडेमिक घेंगा क्या होता है, एंडेमिक घेंगा का मतलब होता है कि अगर ये यही घेंगा या गलगन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाए, मीन्स बहुत लार्ज नंबर ऑफ लार्ज बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को हो जाए तो वो क्या होता है, एंडेमिक घेंगा होता है, मीन्स पूरा का पूरा क्षेत्र ही प्रभावित हो जाए, दैट्स का वहाँ पर क्या, उसका हम लोग नाम दे देते हैं एंडेमिक घेंगा, ओके फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो का रोग इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्या है, सबसे पहले आयोडीन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और आयोडीन की विशेष कमी होने से थायराइड ग्रंथि का श्रावण इतना कम हो जाता है कि हम लोग जब इसको स्रावित करने के लिए कोई दवा लेते हैं तो वो दवा भी क्या करती है, एज ए पॉइजन वर्क करने लगती है, क्या करने लगती है, एज ए पॉइजन वर्क करने लगती है, और स्वयं ही इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं, दैट्स कॉल हाशिमोटो का रोग। यही क्या है, हाशिमोटो का रोग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और हम इसके आगे जो आपके जो इसके आगे कंटिन्यू होगा, ये अभी हम बताए थे इसकी कमी से स्रावित कि अगर कमी होती है आयोडीन की तो किस तरह से वर्क करता है और बॉडी जो है वो किस तरह से इफ़ेक्टेड होती है। और अब हम देखेंगे, अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके अधिकता से, अधिकता अगर हो जाती है तो हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क होता है और बॉडी हमारी किस तरह से इसको वर्क करती है, ठीक है ना। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।